हेलो एवरीवन, आज फिर से खेलने जा रहे हैं रियल क्रिकेट 24। पेशावर जलमी वर्सेस कराची किंग्स, दोनों टीमों का शानदार मुकाबला होने जा रहा है और कराची किंग ने टॉस जीतने के बाद किया है बॉलिंग का फैसला। तो हमें आज भी बड़ा टारगेट सेट करना होगा। पिछले मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई जलमी ने और कमाल की बॉलिंग के साथ ये वो मैच जीता, लेकिन आज देखते हैं कि अच्छी बैटिंग कर पाएंगे नहीं। और पहले आए हैं बाबर आजम और साइम अयूब, बॉबी रॉकिंग भाई आते ही अपनी शानदार इनिंग का आगाज कर दिया। हसन अली का सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू कर दिया भाई, और ये क्या खूबसूरत शॉट लगाई है भाई ने, 6 रन और किंग कर लेगा भाई, ये कर लेगा किंग। ओहो कमाल की शॉट है भाई, कमाल की शॉट है। बड़ा टारगेट सेट करना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। पहले बैटिंग करने के बाद हमें यही फिक्र होती है कि भाई बड़े से बड़ा टारगेट सेट करें ताकि आसानी के साथ जीत सकें। डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टारगेट देने के बाद, लेकिन भाई फिर भी कोशिश पूरी है कि अच्छा टारगेट सेट करें। और जनाब बाबर आजम ने शानदार तरीके से आज अपनी इनिंग को खेलना शुरू कर दिया है और ये आज बड़ा टारगेट सेट करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। अभी तक कमाल की गेंदबाजी हो रही है, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से बाबर आजम मार रहे हैं और ये शान मसूद अपने बॉलर को समझा रहे हैं कि किस तरीके से बॉलिंग करो, यहाँ पर विकेट की ज़रूरत है भाई को। लेकिन बाबर आजम अभी तक खड़े हैं भाई डट के। बाबर आजम और साइम अयूब दोनों बल्लेबाज क्रीज पे अभी तक टिके हुए हैं, देखते हैं कब तक टिके रह सकते हैं ये। ओहो ज़बरदस्त इरफान खान नयाजी, इनको भी आते ही 6-4 रन का सामना करना पड़ा और अच्छी शॉट है बाबर आजम की, लेकिन भाई ये शॉट पिछले मैच से लेकर अभी तक फिट नहीं बैठ रहा यार, छोटी सी गलत शॉट की वजह से बाबर आजम की विकेट गंवा दी हमने। मोहम्मद हारिस को लाए वन डाउन और हारिस की भी आती अच्छी शॉट, लेकिन इन्होंने भी विकेट गंवा दी भाई। एक तो वो शॉट फिट नहीं बैठ रही, ऊपर से आते ही तुमने बड़ा गर्क करवा दिया, विकेट दे दी। बाबर आजम आउट हुआने के पीछे लाइन लगा देते हैं यार। अब आए हैं आसफ अली और आसफ अली ने भाई कोई रन नहीं बनाया पहली बॉल पे, इनका हैट्रिक चांस था लेकिन नहीं कर पाया। और साइम अयूब ने भी और यार इसने भी विकेट गंवा दी। बाबर आउट हुआ और पीछे सबने लाइन लगा दी यार, सारा गेम का मजा खराब कर रहे हैं। 9 बॉलों पे 11 रन बनाए हैं। अब आए हैं हसीबुल्ला खान और आसफ अली कमाल की इनिंग खेल रहे हैं, 4 रन, बड़ी खूबसूरत शॉट लगाई है इस बॉल पे और ये भी देखने लायक शॉट है भाई। आसफ अली टिक गया तो बड़ा टारगेट बना देगा, अगर ना टिक सका तो भाई कुछ गारंटी नहीं है। अभी तक तो खड़ा हुआ है, देखते हैं क्या करते हैं। और हसीबुल्ला खान ने साथ में पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था और अच्छी शॉट है। और यार भाई इसकी भी विकेट चली गई। और भाई हमारे साथ हो क्या रहा है ये, जैसे बाबर आजम गया उसके पीछे सबने लाइन ही लगा दी है यार। कोई एक बॉल खेल के जा रहा है, कोई 2 बॉल खेल के जा रहा है, कोई 4 बॉल खेल के जा रहा है यार। और टॉम कुलर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है, ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था इन्होंने। इस दफ़ा भी आते ही परफॉर्मेंस देना तो शुरू कर दी है, साथ में आसफ अली भी हैं और उम्मीद की जा सकती है एक बड़े टारगेट की यहाँ पर। आज जितना तेज़ी से शुरू किया था और आसफ अली का खूबसूरत शॉट, शायद उतना तेज़ी से हम आगे इसको ले जा नहीं पा रहे। और ये फिर से वही शॉट यार, ये शॉट पिछले मैच से लेकर अभी तक फिट नहीं बैठ रहा, कितना यार ये हमारी विकेट लेकर मानेगा। आसफ अली की विकेट भी इसी शॉट पर चली गई भाई। अब आए हैं हमारे ऑलराउंडर आमर जमाल और आते ही भाई ने 6 रन लगा दिए हैं यार। और अगली ही बॉल पे फिर से 4 रन, अभी इसकी वो गलत शॉट नहीं खेलेंगे भाई, एक शॉट बनी बनाई पार्टनरशिप का बेड़ा गर्क कर देती है भाई। और जबरदस्त तरीके से भाई एक और चौका आमिर जमाल और साथ में टॉम कुलर, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं ये।
और जबरदस्त जोड़ी सज चुकी है भाई यहाँ पर, और शॉट है लेकिन सामने फील्डर, और ये मेरे लिए हमें मिस फील्ड, और इसका फायदा भाई 4 रन हमें मिल चुके हैं। ओहो, एक और शॉट यहीं पे, जबरदस्त तरीके से सेम शॉट सेम रिजल्ट भाई। भाई छक्का, एक और 6 रन, हसन अली आए हैं दोबारा ओवर के लिए, और सामने आमिर जमाल, जबरदस्त 6 भाई। आमिर जमाल ने अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, एक छक्का आते लगा दिया, और एक और 6 भाई, 2 छक्के बैक टू बैक लगा चुके हैं हसन अली को, और ये शानदार चौका। इस चौके के साथ भाई अपनी पार्टनरशिप कर दी है 50 रन की 13 बॉलों पे, जबरदस्त पार्टनरशिप सच चुकी है, और अपने बॉलर को समझा रहे हैं कि ऐसे बॉलिंग करो बे, और समझने के बाद एक विकेट ले लिया भैया, आमिर जमाल आउट हो चुके हैं। यह बहुत बुरा हुआ यार, सेट बल्लेबाज हमारे आउट हो गए, सलमान इरशाद आते ही चौका, और यहाँ पर हम बना चुके हैं 141, और लास्ट बॉल इस इनिंग की, और यहाँ पर हमने विकेट गवा दी। अब 141 हमें करना है डिफेंड, टारगेट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है, 10 रन 10 ओवर के अंदर बहुत अच्छी रन रेट है, लेकिन इसको डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पहला ओवर करवाएंगे नवीन अल हक से, और सामने है शान मसूद, और ये भैया शान मसूद जाते हुए, ओह 0 भाई, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, चल बे 0 भाई निकल शान मसूद। हमें पहले ओवर के अंदर ऐसा यहाँ पर एडवांटेज मिला है कि हम मैच के अंदर पूरी तरह से उतरे हुए हैं भाई, पूरी तरह से मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं। पहले ओवर में जस्ट 5 रन देकर हमने एक विकेट हासिल किया, हाँ 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 जबरदस्त। दूसरे ओवर के लिए लाए हैं ऑलराउंडर बेस्ट हैं आमिर जमाल, और जबरदस्त यहाँ पर इनको अभी तक एक बाउंड्री भी नहीं लगी भाई, लास्ट बॉल इनके ओवर की और इनको एक और बाउंड्री लग चुकी है, 6 रन। लुंगी इनकी थी फास्ट बॉलर, और यहाँ पर आते ही इनको एक शॉट लगी है अच्छी वाली, 6 रन लग चुके हैं इनको, और अगली बॉल पर फिर से 6 रन भाई। जितना पिछले 2 ओवरों में हमने रन बचाया इस ओवर में ये मेरे ख्याल से पूरा करवा देंगे भाई, जितना ये बुरे तरीके से पिट रहे हैं ना अभी तक। ओ एक और शॉट, 6 रन, ओ भाई दोनों बल्लेबाजों को सेट करवा के चला गया भाई ये। हम लाए अब स्पिनर को, शायद ये इनको रोक पाए, लेकिन 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 यहाँ पर पहली ही बॉल पे चौका लग चुका है यार, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रोकना, और ये 6 रन, ये तो स्पिनर को भी नहीं छोड़ रहे, और 18 बॉल पे 50 रन की पार्टनरशिप, और स्टार्टिंग वाली पार्टनरशिप थोड़ी खतरनाक होती है, और ये कैच भाई पार्टनरशिप को तोड़ कर रख दिया, पहली विकेट हासिल की है हमने 50 रन की पार्टनरशिप के बाद। हमारी पार्टनरशिप लगी थी बिल्कुल जाके वो नीचे वाले मोमेंट पे, अब आ चुके हैं शुएब मलिक, ओ शुएब मलिक भाई आते ही मारना शुरू कर दिया, सांस तो ले लेते अल्लाह के बंदे। अब लाए हम साइम अयूब को, साइम अयूब अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितना इम्पैक्टफुल बॉलर ये साबित होते हैं हमारे लिए, और यहाँ पर अभी तक तो भाई बड़े पूरे तरीके से पिट रहे हैं, शुएब मलिक ने आते ही पिटना शुरू कर दिया, और ये भाई कैच, ओ भाई यार ये क्या हो गया यार, कैच मिस कर दिया, कैच विन मैच, और ये एक और कैच निकला भाई, सलमान इरशाद को एक विकेट मिल चुकी है, लेकिन जो शुएब मलिक का कैच छोड़ा बहुत बुरा कैच छोड़ा यार, वो मैच विनिंग कैच था। ओ भाई कैरन पोलार्ड आते ही सामने स्ट्रेट शॉट खेल लिया बड़े जबरदस्त तरीके से, टाइम आउट आ चुका है। अब दोबारा से हम लाए हैं आमिर जमाल को, और ये देखो शुएब मलिक अगर इनका कैच पकड़ लिया होता तो अभी ये नहीं मार रहे होते भाई, ये देखो छक्के पे छक्का मार रहा है ये बंदा, और एक और 6, हमारे बॉलरों का मार मार के मोर बना दे रहा है ये बंदा, और यहाँ पर एक और शॉट लेकिन कैच हो गया, कैरन पोलार्ड पवेलियन की तरफ, अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन भाई मुझे अभी भी उस कैच छोड़े जाने का दुख है जो शुएब मलिक का कैच मिस हुआ, कितनी बड़ी गलती की है भाई, उसकी वजह से अभी तक वो बंदा खड़ा है और कितना मन बना चुका है यार। ओह भाई एक और 6 लगा गया,
इस बंदे का कैच कितना जरूरी था यार हमारे लिए, समझ नहीं पाए। जबरदस्त बल्लेबाजी तो उन्होंने की है भाई, और शुएब मलिक अभी तक दूसरे एंड पे पक्का खड़ा है यार, आउट होने का नाम नहीं ले रहा है। कैच क्या इसका छोड़ दिया, ये बंदा इतना पक्का हो गया। और यहाँ पे एक विकेट मिली तो है। भाई ये देखे, ये रिव्यू में देखे कितनी शानदार विकेट मिली है, लेकिन शुएब मलिक की विकेट मिलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है भाई, विकेट दे ही नहीं रहा यार। ओहो भाई बिल्कुल विकेट को छोड़कर खेला है सामने की तरफ 4 रन के लिए, और इसी के साथ भाई इसकी 50 पूरी हो गई। ओहो इसका टाइम पे अगर कैच पकड़ा होता तो ये 50 तो बड़ी दूर की बात है, ये मैच अभी तक हम जीत चुके होते, 50-55 रन से ये मैच जीते होते। लेकिन अभी मैच हमारे हाथ से निकल रहा है भाई, 90 लाख लास्ट ओवर में हमें 7 रन डिफेंड करना है। ओहो जबरदस्त कैच भाई, शुएब मलिक आउट हो गया, 90 लाख की अच्छी बॉलिंग यहाँ पर इनको आउट कर दिया भाई, 54 रन बना के आउट हुआ ये बंदा, 5 रन है लास्ट बॉल ओवर में हमें डिफेंड करना है भाई, ये छक्का लग गया। 5 रन थे उसने 6 मार के काम को खराब कर दिया, और ये आज का मैच हम हार गए हैं 4 विकेट से, और अब आपस में यार बहस किए जा रहे हैं किसकी वजह से मैच हारे। मैच हम वहीं पे हारे जब हमने शुएब मलिक का कैच छोड़ा, उसी की वजह से ये मैच हमारा बढ़ गया, और आज के मैन ऑफ द मैच हैं शुएब मलिक। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। तब तक के लिए आपके इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।